नर्सेज का प्रदर्शन शुरू हो गया। आपको बता दें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के नर्सेज का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लंबित मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के नर्सेज का ये प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए तस्वीर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि नर्सेज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 सूत्रीय मांग ये लोग कर रहे हैं, अभी क्या जानकारी? देखिए संविदा पर लगे हुए जो तमाम नर्सिंग कर्मचारी हैं आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए आप तस्वीरों पे देख रहे हैं। चैलेंज मार्ग से होते हुए जो है SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन लंबे समय से आंदोलन कर रही है, लेकिन जिस तरह से ठेका निविदा प्लेसमेंट प्रथा है उसे बंद करने की जो मांग है उसे लेकर के आज यहाँ पर इन्होंने जो है एक मार्च निकाला है। 2 घंटे का जो एक कार्य बहिष्कार है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। वेतन वृद्धि और प्लेसमेंट प्रथा है उसको बंद करने की मांग की है, UTP में शामिल करने की मांग की है, जो नर्सेज नेता है उनसे बात करने की कोशिश है। आज किस लिए ये मार्च आपका किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? राजस्थान में नर्सेज की मांगे विगत 4.5 वर्ष से लंबित है। केंद्र के समान वेतन देते दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से 10 से 20 हजार का अंतर है। हमारे जो संविदा कर्मचारियों ने काम किया उन संविदा कर्मचारियों के नोशनल लाभ की भी एक मांग है, और सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारे ये जो प्लेसमेंट एजेंसी EMT और NHM में जो संविदा UTV पे लगे हुए हैं नर्सेज भाई बहन, उनका वेतन 7,900 रुपये मात्र है, जो एक ट्रॉली मैन वार्ड बॉय से भी कम है, और उसमें नर्सिंग ऑफिसर को 7,900 रुपये मिल रहे हैं, उनको 37,800 रुपये विलंब किए जाएं और उनको सरकार की संविदा में शामिल करते हुए उनके नियमितीकरण के रास्ते खोले जाएं। अभी तक क्या होता है, अभी तक कितने पैसों में काम कर रहे हैं आप लोग? अभी तक नर्सेज जो संविदा पे काम कर रहे थे उनका वेतनमान काफी कम था, जो सरकार की सीधी संविदा में जो काम कर रहे हैं उनको 37,800 रुपये मिल रहा है, तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको 7,900 रुपये मिल रहा है, तो 7,900 रुपये तो बहुत कम है, बाढ़ के बराबर है, इसको 37,800 रुपये अविलंब किया जाए। और इनको मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर जब वे SMS हॉस्पिटल में आए थे तब भी ये बात कही थी उन्होंने कि भाई उनको इस बारे में मालूम है कि बहुत कम वेतन पर लोग काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कुछ उपाय। हमारे मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील है और उन्होंने ये कहा है कि आपकी कोई भी मांग हो तो आप उन्हें ब्लैक रिबन बांध के एहसास करा दो ताकि हम आपकी मांग पे सुनवाई कर लेंगे। तो हम आज 21-23वें दिन पर हैं, हमारी राज्य सरकार से एक ही विनती है कि ठेका प्रथा पे जो लोग लगे हुए वेतन पे उनका वेतन मान सम्मान किया जाए, और दूसरा संविदा सेवा काल नर्सेज को जोड़ा जाए, जो लंबे समय से नर्सेज संविदा सेवा पे है उनका सेवा साल गोड़ के नौस्तर लाभ दिया जाए, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना हो और वेतन विसंगति दूर हो, समय पर DPC हो और मतलब वेतन विसंगति दूर करते हुए कोविड हेल्थ सहायक की मांगे पूरी हो और CSO का समान वेतन दिया जाए, और सबसे बड़ी मांग हमारी है कि नर्सिंग निदेशालय की स्थापना कर दी जाएगी। तो हमारी कितने पैसों पर काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो संविदा पर आप लगे हैं, आप कितने मानदेय पर जो है आप काम कर रहे हैं? प्लेसमेंट पर लगे हुए वो लोग हैं जो 7,554 रुपये में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही आशा है कि वो हमारी सैलरी 37,800 रुपये कर दी जाए और हमें UTV में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि हमारी सैलरी एक वार्ड बॉय के बराबर मिलती है। हम सरकार से आशा करते हैं कि वो हमारी सैलरी 37,800 कर दिया जाए और हमारी मांगे पूरी करें। आपके समान जो काम कर रहे हैं उनको कितना वेतन मिल रहा है? हमारे को जो ठेकाकर्मी लगे हुए हैं उन सभी को 7,200 रुपये मिलता है, जो कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ आज रोड पे आए हैं, तो सरकार से गुजारिश है या तो हमारा वेतन समान किया जाए 37,800 किया जाए और हमें UTV या संविदा में शामिल किया जाए। तमाम जो नर्सेज कर्मचारी है आपने देखा कि किस तरह से जो है परेशान है, कह रहे हैं कि अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं और लंबे समय से यहाँ पर जो वेतन है उन्हें बहुत कम मिलता आया है। मुख्यमंत्री तक अपनी मांग को पहुंचा चुके हैं, राज्य सरकार तक अपनी मांग जो है वो पहुंचा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक सुनवाई यहाँ पर बिल्कुल महेश हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो नर्सेज है वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर के। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी।